किस तरह यहाँ के बच्चों को जहर देना और कुछ नहीं करना, शर्म नाम की बेच दिखाई हुई है। उर्दू को पढ़ाता है और इन बच्चों को छोड़ दिया ऐसे भगवान के भरोसे। इसकी सैलरी बंद करता हूँ कल इंक्रीमेंट, आपका कुछ है नहीं है, अपने पढ़ाती है स्कूल में आके तनख्वाह दे रही है 70-80 हज़ार, और आपने बच्चे छोड़े हुए डीपीएस स्कूल के जम्मू में इधर उधर बता रहे कौन है किसे चाहिए वो और भाई मास्टर कौन है हर मास्टर ने जोड़ी के हैं ये चाइल्ड की लीव का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने सहूलत दी है तो जिसका मन जो औरत का करेगा वो अभी चाइल्ड की लीव मांगेगी। कम से कम उसकी कंडीशन देखो घर की, किस पर्पज के लिए चाइल्ड के लिए उसको चाहिए, देखो उसका हस्बैंड कुछ कर रहा नहीं कर रहा, अगर वो घर खुद बैठा फ्री बैठा हुआ है वो बच्चों की केयर करेगा, या अगर वो नहीं है कम से कम उसके बच्चे की उम्र देखें कि बच्चा उसका हो सकता है कॉलेज जा रहा है अच्छा खासा पढ़ा जवान बच्चा, उसकी क्या केयर करनी है उसने जाके उधर। किस तरह यहाँ के बच्चों को जहर देना और कुछ नहीं करना, शर्म नाम की इन्हें बेच दिखाई हुई है। जिस स्कूल में जाओ चाइल्ड केयर चाइल्ड केयर मास्टर साहब मैंने मना किया हुआ है छुट्टी नहीं देनी है, कब छुट्टी सेंशन की उन्होंने 18-8 को मेरी मीटिंग अब भी थी आपसे मीटिंग बाद में नहीं दूंगी मेरी बात नहीं थी मीटिंग के पहले ही सर। ये कब ज्वाइन कर रही है कितने महीने की 2 महीने की अब इसकी खत्म होना है खत्म होने वाली है इसकी आई तो कोई छुट्टी नहीं किसी को मुझे बगैर पूछे जाना है खासकर लेडीज टीचर को नौकरी नहीं करनी छोड़ दें जब इनको बोलो उनके तनख्वाह में से 500 तो काटो आपको मरने मारने पर आ जाएगी लेकिन बच्चों को पढ़ाना ही नहीं उन्होंने पूरा दिन कुर्सी लगा के बाद घूमे बैठी जाती खत्म हो गई ये क्या एक्स्ट्रा क्यों बैठी हुई क्या कहना चाहती है मेरा बेटा और मैं दोनों क्या करना चाहते हैं क्या असिस्ट कर रहे हैं पर्सनली इसका मतलब ही नहीं है क्या चाइल्ड केयर की जरूरत पड़ेगी दिल भर ही आती है ना तो फिर क्या चीज केयर करनी है जाके उसने 9 साल का बच्चा है पढ़ता होगा 6-7 वो पढ़ता होगा 4th क्या उस बच्चे को बोर्ड का एग्जाम देने वाला 10th का 8th का एग्जाम देने वाला है क्या नाम है इसका वो छुट्टी अपनी अवेल करने के बाद भी वो 15 दिन से गाइड आना थोड़ा ऑप्शन जो मुझे तुम्हें उठा लो इसको मैं ठीक करता हूँ तुम्हारा मतलब जो बेचारे पढ़ाने वाले वो क्यों पढ़ाएंगे मतलब वो तनख्वाह ज्यादा ले रहे हैं आप यही तो मसला है सारा चार बंदे डिमोलाइज दो कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं दो आते ही स्कूल तो जो आने वाले वो भी सोचेंगे हमें किस लिए आना यार अब ये नहीं आ रहा है मेडिकल लीव पे कोई गठे बीमार हो गए यार इतना क्या बीमारी फैल गई है क्या मेडिकल लीव मेडिकल इसी ने कहीं हेडमास्टर को सेंड की ये हेडमास्टर ने मुझे जवाब देना पड़ेगा राइटिंग में दिस इज टू मच एक तो छुट्टी वो औरत लेके चली गई अपनी और उसके बाद उसने मेडिकल लीव बना लिया पहले बच्चों के लिए बहाना लिया और फिर अपना ले लिया इसने तो दूसरा मेडिकल लीव पे कौन है दूसरी साल में मैम है इसको जाना ही
अटैक हुए तो वो कमेटी में होना चाहिए। सही बात है, किसी डॉक्टर को बोलो कि मुझे कमर में किसी पूछ नहीं सकता, आप रेस्ट करो।